हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस बार मैं दिवाली के लिए क्राफ्ट घर पर ही बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। बहुत ही कम पैसों में हम इन्हें बनाने वाले हैं। अगर हम इन चीज़ों को मार्केट से खरीदते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही महंगी मिलती हैं, तो हम इन क्राफ्ट्स को घर पर ही बहुत ही लो प्राइस में बनाकर रेडी कर लेंगे और अपनी हाथ की बनी चीज़ की बात ही कुछ और होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो बहुत ही सिंपल तरीके से और मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी डिले ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस क्राफ्ट को हम कैसे बनाते हैं। तो इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। इसके लिए चाहिए हमें इस तरीके का कार्डबोर्ड, जो हमारे घर में बेकार से डिब्बे पड़े रहते हैं उसी का आप इस तरीके से काट सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी काट सकते हैं। तो इसको मैंने 4x4 इंच में काटा है और मेरे पास एक ग्लैटर शीट रखी थी, इसको भी मैंने सेम नाप में काट लिया है 4x4 इंच में। अब इसके लिए आप, अगर आपके पास इस तरीके की ग्लैटर शीट ना हो तो आप फैब्रिक भी इसमें यूज कर सकते हैं। और आप इस तरीके से मोती ले लेना है, तो मैंने ये छोटे वाले मोती लिए हैं और ये मैंने कुछ छोटी छोटी सी ये घंटियाँ ली हैं जो ईज़िली मार्केट में मिल जाती हैं। और इस तरीके का एक गोटा लेना है और ये मेरे पास रखा था, मैंने कान्हा जी की फ्रॉक ली थी तो पहले से ही रखा था। और इस तरीके का या तो आप फेविकॉल ले लीजिए या फिर इस तरीके का ग्लू ले लीजिए। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कार्डबोर्ड है उसको ले लेते हैं। अगर ग्लैटर शीट ना हो तो कपड़ा भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, कोई भी कॉटन का हो, सिल्क का हो, किसी भी तरीके का हो। और ये तो हमारे नीचे इस तरीके से खींचने से ही चिपक जाता है, इसमें हमें ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो हमने इसको इस तरीके से खींच कर और एकदम बराबरी से इसमें चिपका दिया है। अच्छे से इसको हाथ से प्रेस कर दीजिए तो बहुत अच्छे से ये इसमें चिपक जाता है। सो इसी तरीके से हम अपनी चारों जो हमारी ग्लैटर सीड है, चारों कार्डबोर्ड पर चिपका कर अच्छे से रेडी कर लेते हैं। और थोड़ी बहुत अगर एक्स्ट्रा आपकी थोड़ी इधर उधर निकल भी जाती है, वैसे तो हमने बराबर काटा है, अगर निकल जाती तो आप बाद में सीजर से उसको कट कर देना। तो इस तरीके से हमें अपनी चारों सीट बनाकर रेडी कर लेनी है। अगर आप इसमें कपड़े का फैब्रिक लगाएं तो पूरे में ऊपर से ग्लू लगा लीजिए और ग्लू लगाकर फिर आप थोड़ा, अगर कपड़ा लगाएं तो थोड़ा एक्स्ट्रा काटें क्योंकि हमें पीछे साइड में उसको पलटना पड़ेगा। तो कपड़े को आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना है और पीछे सीजर से कट करके ग्लू लगा के और पीछे चिपका दीजिए। तो कपड़ा भी इसमें बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास सीट रखी थी तो मैंने यही यूज़ कर ली है। तो इसी तरीके से हम इसमें चारों सीट बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चारों सीट बना के रेडी हो गई हैं और काफ़ी अच्छे से ये इसमें चिपक गई हैं। अब हमें ले लेना है गोटा। तो इस तरीके का आप कोई भी गोटा ले सकते हैं और गोटे को हमें इसमें चारों कॉर्नर पर लगाना है और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हमें इस तरीके से कट करना है और पीछे फोल्ड करके मैंने टेप लगा दी है। तो आप ग्लू गन भी यूज कर सकते हैं, मैंने इस पर ऐसे टेप लगा दी है, तो टेप से भी काफ़ी अच्छे से ये पीछे से चिपक गया है। अब मैंने इसी के नाप की थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा करके ये गोटे की पट्टियाँ काट ली हैं, इसको हम पीछे साइड यहाँ फोल्ड करके और इसमें डबल डबल टेप लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने टेप के छोटे छोटे से टुकड़े काट कर और इसमें अच्छे से इसको चिपका दिया है। तो काफ़ी अच्छे से फ्रेंड्स इसमें ये चिपक गया है। तो इस तरीके से हमने माप करके थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा गोटा काट कर और इसमें चारों कॉर्नर पर फोल्ड करते हुए चिपका लेना है। तो इस तरीके से हमें चारों सीट बनाकर ये रेडी कर लेनी है।
तो लीजिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी हो गए हमारे शुभ लाभ और ये दो में मैंने मिरर लगाए हैं। तो इस तरीके के क्राफ्ट हमारे दीपावली के डेकोरेशन में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरीके से आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं और इसको बनाना कितना इजी है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।